सभी लोगों से बात करेंगे और उसके इन्फॉर्मेशन सभी चीजों पे देंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि आगे, अभी हमें फिर से, हम जब रीस्टार्ट कर रहे हैं तो हमें आगे अच्छे लेवल पे काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज है अपने टीम के ऊपर काम करना जरूरी, स्टार्ट कर दीजिए आप, ताकि एक यूनिटी में टीम को आगे लेकर के चला जा सके। दूसरा, माइग्रेशन वाले पार्ट पे, सबसे पहला पार्ट था जो लोगों का प्रिंसिपल वाला पार्ट था, जिसका फुल अमाउंट था, ऑलरेडी वो माइग्रेट हो रहे हैं। जिनका सब पैनल था ऑलरेडी, वो भी माइग्रेट हो रहे हैं। रिन्यूअल वाला जो पैनल था, जिनका फुल अमाउंट था, वो 1 से 2 दिन के अंदर में चालू हो जाएगा। और जो लोग भी, जिनका 14,300 का या 12,100 का अकाउंट था, जो भी अमाउंट उन्होंने लिया हुआ है, जो बैलेंस बच रहा है, ये सब सारे एग्जीक्यूशन माइग्रेशन के December 1st तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा यानी कि नेक्स्ट मंथ के 1st पहला हफ्ता में जितने भी माइग्रेशन के पार्ट है वो कंपनी के साइड से सभी लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा तो माइग्रेशन ठीक वाली चीजों के ऊपर आप सभी लोगों को क्लियरिटी हो गई। अभी जितनी भी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, जिसकी भी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, उसका पे आउट वगैरह भी सब लोग मार सकते हैं। बैंक में ऑलरेडी बैंक वगैरह सारी फैसिलिटी लाइव हो चुके हैं। जितने भी आप सभी लोगों के माइग्रेशन हो चुके हैं, उसके KYC कंपलसरी करवा दीजिए, क्योंकि KYC सभी का मैंडेटरी है। जिसका भी माइग्रेशन हुआ है या जिसका भी अभी अपग्रेडेशन हुआ है, सभी का KYC कंपलसरी है। क्योंकि अभी मैं क्यों बात कर रहा हूँ ये सब चीजों पे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के कई सारी पॉलिसी आई है बिजनेस को लेकर के। कंपनी एक्ट में कई सारे नए अमेंडमेंट्स आया है, GST एक्ट को लेकर, IT एक्ट में, ये सभी चीजों पे आया है। तो अच्छा हुआ, एक हमें थोड़ा सा ठहराव मिला हमारे सिस्टम को। हम लोग उस जगह पे जा करके, अपने डेस्टिनेशन तो हमारा फाइनल ही है, हमारा मिशन विजन फाइनल है, कोई भी चीजें हमारा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन एक रुकावट आई है, तो वहां पे संभलने के लिए आई है कि हाँ, क्या क्या चीजें मैंडेटरी है और क्या क्या चीजें गाइडलाइन से बाहर जा रही है, उसको कंप्लीट करने के लिए समझिए हमें टाइम मिला है। तो इसमें अभी KYC मैंडेटरी है, किसी का भी आधा अधूरा KYC ना हो, क्योंकि KYC अगर नहीं है और किसी का सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो ये सब चीजें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग सब्सक्रिप्शन, एक्ट। हाँ, तो KYC सभी का मैंडेटरी है। जिसका भी सब्सक्रिप्शन हो रहा हो या जिसका भी जो भी माइग्रेशन है, वो KYC सबका कंप्लीट करवाना कंपलसरी है टीम में। तो ये चीजों के ऊपर फोकस करना है। दूसरा, कि अभी से जो भी सब्सक्रिप्शन पार्ट के ऊपर काम करना है या जो भी लोगों का ज्वाइनिंग लेना है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और 100 लोगों का ज्वाइनिंग एक व्यक्ति से आया, समझ में आया? तो यहाँ पे 100 लोगों का जो पैसा आएगा, उसका इंडिविजुअल फॉर्म अकाउंट में जो है उनके जनरेट होंगे, इंडिविजुअल फॉर्म भरना होगा। क्योंकि 100 लोगों का, मान लीजिए आपका ITR आप साल का 10 लाख रुपए का फाइल करते हैं, और आपके नाम पे 1 लाख, अगर 1 करोड़ रुपए का बिजनेस आया और आपने दिया हुआ है, तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आता है। इसीलिए उसका एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करवाना जरूरी होगा, जो अभी सिस्टम में अकाउंट में डाला जाएगा। तो वो हर व्यक्ति करेगा कि एक व्यक्ति करेगा? जैसे मान लीजिए आपने एक 10 लोगों का ज्वाइनिंग लाए, हाँ 1,43,000 रुपए का एक 10 लोगों का ज्वाइनिंग लेकर आए, तो एक बड़ा अमाउंट आ गया। अमाउंट आया, तो वो उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये जो है 10 लोगों का अमाउंट है, जिसका KYC, जिसका नाम ये है। नहीं तो फ्यूचर में मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि ये 10 लाख रुपए कहाँ से आया, 1 करोड़ कहाँ से आया, तो आप क्लियरिटी नहीं दे पाएंगे। उसी तरह से कंपनी भी क्लियरिटी देने के लिए ये सब सारी चीजें बना रही है। और अभी जो अमेंडमेंट आया है, अभी जो नया चेंजेस हुए हैं, पॉलिसी जो चेंजेस हुआ है, उसके आधार पे ही बिजनेस लेकर के चलना है। क्योंकि मार्केट में जो इधर उधर चल रहे हैं, सब खत्म हो जाएंगे इस पॉलिसी के आधार पे, क्योंकि पहले से लोगों ने मैनेज नहीं किया होगा। तो यानी वो ID पर आ जाएगा ना फार्म? हाँ, वो सभी के अकाउंट पे आ जाएगा। और DDC के लिए भी अभी जो है नए गाइडलाइंस है, नया सब पॉलिसी है, उसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। DDC का नया पॉलिसी और सारी चीजें, डिक्लेरेशन आपको वेबसाइट के माध्यम से और वर्ड फाइल आप सभी लोगों को शेयर करेंगे, वो भी चीजें आप लोगों को मिलेगा। और DDC का भी माइग्रेशन नेक्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। जिन भी DDC, जिनका जिनका भी है, अपने अकाउंट में माइग्रेट करके ले लेंगे, वो DDC एक्टिवेट हो जाएगा उनके अकाउंट पे। और उनका जो डिपॉजिट अमाउंट होगा 50,000, वो या 1 लाख रुपया जिसका होगा, वो डायरेक्ट जो है उनके DDC पे वो डिपॉजिट क्रेडिट हो जाएगा। बाकी DDC के जो हिसाब किताब है, वो आगे इसीलिए रखा गया है, उसको अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है कि आप सभी लोग लिस्ट बना लीजिए कि कितने लोगों का पे आउट आपने दिया हुआ है, सिस्टम में अप्रूव नहीं किया है।
में आएगा तो बैंक में आएगा तो जो टीडीएस है 3.75 और 5% प्रोसेसिंग, बस इतना ही, 8.75 की रेस्टर होगा, बाकी उसमें से कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, ये तो बहुत बढ़िया। और किसी भी पैनलिस्ट का ना शॉपिंग वॉलेट पेंडिंग रहेगा ना कुछ पेंडिंग रहेगा। ऑलरेडी जो सब जो सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट पैकेज सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो किसी का वॉलेट बैलेंस नहीं होने से ऑडिट में भी इशू नहीं आएगा। नहीं, ये तो बढ़िया है ऑडिट के लिए। अच्छा सर, अभी अभी न्यू पैकेज कोई लेता है सब्सक्रिप्शन करता, तो अभी से वो शॉपिंग कर सकता है कि दिसंबर दिसंबर फर्स्ट वीक के बाद में, दिसंबर से शॉपिंग वाला चीजें स्टार्ट हो रहा है ई पैनल प्रोडक्ट के ऑप्शन का, लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट वीक से ही जो है दिसंबर फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर रहे हैं सारी चीजों को। दिसंबर से समझिए प्रोडक्ट का परचेजिंग स्टार्ट हो जाएगा, 60 दिन का जो टाइम लाइन है, जो अभी वाले जो लोग इस मंथ में जो लोग ज्वाइनिंग अपग्रेडेशन हुआ है उन लोगों के लिए एक 90 डेज का टाइम है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से जो भी ज्वाइनिंग होंगे उसके लिए 60 दिन का ही टाइम रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल रहेंगे। किसी को भी कोई भी चीजें परचेज करनी है ई पैनल प्रोडक्ट के ऊपर तो स्टॉक में रहेंगे और वो अवेलेबल रहेगा एनी टाइम। और सर, ये बहुत लोगों का फीडबैक आ रहा है कि जो पुराना हमारा शॉपिंग वॉलेट है उसका क्या कंपनी क्या कर रही है? पुराना शॉपिंग वॉलेट अगर हम लोग इसमें ट्रांसफर करते हैं तो फिर जो है वो पेंडिंग पड़ा ही रहेगा, वो लाइबिलिटी का पार्ट रहेगा, तो अभी उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं है। पुराने जो वॉलेट्स पड़े हुए हैं या पुराने शॉपिंग वॉलेट्स हैं उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं है, आगे कुछ उसके ऊपर